अभी रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ईडी का कार्यालय है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मेडिकल की टीम पहुँची थी। छवि रंजन का मेडिकल जाँच कर लिया गया है और मेडिकल टीम के पहुँचने से थोड़ी देर पहले छवि रंजन की पत्नी भी यहाँ पर पहुँची थी और पत्नी मुलाकात कर यहाँ से चली गई है। एक बार देखिए, दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अब धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा है, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा था कि गिरफ्तार करने के बाद हो सकता है कि छवि रंजन को यहाँ से निकालकर फिर मेडिकल करने के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी रात के 11 बज रहे हैं और ये तस्वीर ईडी कार्यालय से लाइव आप देख रहे हैं कि छवि रंजन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी कार्यालय के बाहर का क्या कुछ नज़ारा है। गिरफ्तार करने के बाद अभी तक छवि रंजन को अंदर ही रखा गया है। छवि रंजन जो रांची में डीसी रह चुके हैं और उसी दौरान जमीन का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, धांधली हुआ था, उसी मामले में पूछताछ चल रही थी और दो दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह 10:40 पर ही वो यहाँ पर पहुँच गए थे और ठीक 12 घंटे बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले जब छवि रंजन यहाँ पर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में आए थे तो उसी दिन कयास लगाए जा रहे थे कि दिन भर की पूछताछ के बाद हो सकता है कि शाम तक ये खबर निकलकर सामने आए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस दिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। और आज जब दूसरी बार पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुँचे जवाब देने के लिए ईडी के सवालों का छवि रंजन, तो लगता है कि जो सवाल उनसे पूछे गए थे, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें कहा गया था कि लेकर आइए, वो पुख्ता नहीं थे, उस हिसाब से वो तैयार कर नहीं ला पाए। यही वजह है कि आज की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी के तरफ से आधिकारिक रूप से ये जानकारी मीडिया को यहाँ पर दे दी गई है कि छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साल के अंदर झारखंड में ये दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कि ठीक एक साल पहले 6 मई को, जब झारखंड में 6 मई 2022 को झारखंड में कई जगह पर ईडी ने एक दिन ही में ही छापेमारी की थी, उसके बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पीए सुमन कुमार के घर से बहुत पैसे बरामद हुए थे और उस मामले में पूजा सिंघल से फिर पूछताछ हुई थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और ठीक एक साल पूरा होते होते देखिए और आज छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। छवि रंजन 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, जमशेदपुर में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से उन्होंने बीएससी और एमएससी पास किया था और बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी पास की थी और 125 रैंक उन्होंने लाया था। अभी मैं विकिपीडिया पर उनका बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि उनके पिताजी 10वीं पास थे। आप समझिए कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आया होगा तो उनके घर में कितनी खुशियाँ बनी होगी। और आज वही छवि रंजन कैसे अपने परिवार, अपने समाज, अपने गाँव और अपने राज्य की छवि को धूमिल किए हैं आज की गिरफ्तार ये होने के बाद, क्योंकि ईडी ने जो लंबी पूछताछ की दो दिनों के तक, कई ऐसे सबूत जरूर ईडी को हाथ लगे होंगे और यही वजह है कि उसके बाद छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। अभी उनकी पत्नी करीब आधे घंटे तक ईडी कार्यालय के अंदर रही। जो जानकारी है उसके अनुसार शायद वो पत्नी से मिलना चाहते थे, कुछ बातचीत करना चाहते थे और यही वजह है कि उन्हें बुलाया गया था। पत्नी यहाँ पर आई, उनसे मुलाकात हुई अंदर और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद पत्नी लौट गई हैं। अभी 11 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी ईडी कार्यालय के बाहर, हम चाहेंगे कि एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि देखिए कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर, ज़्यादातर तो मीडिया पर्सन हैं लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो खुद भुक्तभोगी हैं, जिनकी ज़मीन गई है रांची के डीसी रहते हुए छवि रंजन के, वो खुश होकर यहाँ पर आए हैं। जैसे ही ये खबर उनके कानों तक गई कि छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया, वो खुशी मनाने यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार साहू। तो क्या यही सुन के आए कि छवि रंजन गिरफ्तार हो गया? हम तो सुने हैं, अभी हुआ है कि नहीं किया है तो नहीं पता हमको। मतलब खुश हैं आप? निश्चित है कि जो चोर है उसको चोर को सजा मिलना ही चाहिए। तो क्या आपके साथ क्या हुआ? हमारा साथ तो एक जाली पेपर बना के, जो जेरोक्स पेपर के आधार पर, ये हमारे जमीन का मोटेशन विनोद सिंह के नाम से कर दिए थे। मैंने 2 तारीख को आदेश देते हैं और 3 तारीख को मोटेशन कर देते हैं। यही छवि, यही चोर ऐसे मत, जो लकड़ी चोर है ये, जो है तो बोलने में क्या डर नाम है हमको, जो है तो है। थोड़ा शर्मा, आज भी नहीं डरे कल भी नहीं डरे। ये प्रेम प्रकाश से हमको धमकी दिलाए के उठवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे उठा लेगा ऐसा क्या? ये सब जो
जो जो करता है उसको भरना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि गलत किया है यार? गलत किया है, हमसे बेहतर कौन जानता है। हमारा जाली पेपर के आधार पर किसी को वोटेशन कर दिया, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे लेकिन एक सुना नहीं। कितना जमीन था आपका? हमारा टोटल जमीन 7 एकड़ 16 डिसमिल। अच्छा, तो आप इनके पास गए थे कभी? गए थे। क्या बोला? बोला कि देखते हैं आप लोग कुछ कीजिए तो करेंगे। तो क्या करें हम लोग, हम माफिया जो पैसा दें इनको, हमारे पास तो था नहीं कुछ। नहीं, पैसा आपसे भी मांग रहा था? इनडायरेक्ट वे में बोला था, डायरेक्ट नहीं बोला था, हम काय बोलेंगे जी। लेकिन इनका तो सीधा सीधा ही था कि जो पैसा देगा हम उसी का करेंगे। तो अभी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये तो बताया जा रहा है कि सेना का जो जमीन था करीब 4.5 एकड़ का मामला जो बरियातू इलाके में करमटोली के आसपास उसमें हुई है, तो क्या लगता है कि आपके वाले जमीन के मामले की भी जाँच ईडी की है? हम लोग ने अपना आवेदन तो दिया है। अच्छा, ईडी को दिया है? हाँ, पूरा जानकारी दिया हम लोग ने। और भी जानकारी चाहिए होगा तो ईडी बोलेगी तो हम देंगे। और तो आप चाहेंगे कि अगर नहीं हुआ है आपके मामले में जांच तो उसमें भी हो और उस पर भी कार्रवाई हो? एकदम 100% चाहेंगे। और कुछ और विस्तृत जानकारी हमसे चाहे तो हम और दे सकते हैं। तो आप भी आए हैं, ये यही सुन के आए हैं कि छवि रंजन गिरफ्तार हो गए? जी जी। खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। दिख नहीं रहा है? बहुत खुश हैं अंदर से। मतलब इतना तकलीफ थे इससे पहले, लेकिन खुशी के इजहार किस तरह से हम करें ये हमको एहसास नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या, बहुत प्रताड़ित ये डकैत हैं? डकैत ये हमारे ऑफिस में बुला करके हम लोगों को कमिश्नर साहब को जो जांच जो चल रहा था डायरेक्ट बोल दिया कि जांच तुम रुकवा दो नहीं तो तुम लोग को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। फिर भी हम लोग अपना जान का बिना परवाह किए हुए हम लोग डटे रहे। और यह आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ईडी सर का, जो कि ये जांच में हम लोग का जो ज़मीन भी आया है। और उम्मीद करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी जो हो सकता सज़ा मिले मिलना चाहिए। सर इससे इनके बहुत सारे ये षड्यंत्रकारी लोग हैं यहाँ, सिर्फ एक आदमी चोर पकड़ने से ये भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, विस्तार से तो कई लोग आएंगे, बहुत बहुत सारे लोग आएंगे। तो देखिए, रात के करीब करीब 11:30 बजने वाले हैं, मतलब आधी रात है, और जैसे ये खबर निकल कर सामने आई कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद ईडी दफ्तर के बाहर वे लोग खुश होकर पहुंच रहे हैं जिनके साथ छवि रंजन ने गलत किया है, और वे यहां पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और वे बता रहे हैं कि कैसे उनके ज़मीन के साथ भी इन्होंने वही गलत काम या तो किया या करने की कोशिश की, और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुंचकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो अभी आधी रात की बड़ी खबर यही है कि छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कल हो सकता है कि इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ईडी इन्हें रिमांड पर लेगी और फिर हो सकता है कि इस मामले में और लंबी आगे पूछताछ होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार हावी है कि एक साल के अंदर दूसरी आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी यहाँ पर होती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से ईडी ने पिछले दिनों ये खबर दी थी कि जिस किसी के साथ भी ज़मीन के मामले में गलत हुआ है वो आकर यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, तो हर दिन यहाँ पर कई लोग आकर शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर दिन कहीं ना कहीं गलत कुछ हो रहा है। गिरफ्तारी भले भी हो रही है, कार्रवाई भले ही हो रही है, लेकिन जो गलत करने वाले हैं वो चेत नहीं रहे। लेकिन इस तस्वीर को देख कर उन्हें सोचना और समझना चाहिए कि देखिए, गलत करने का परिणाम जो है वो गलत ही होता है। और देखिए, अभी रात है और यहाँ पर छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके और उनके परिवार को किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। शुक्रिया।